नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम अपना न्यू चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। नाम है इस चैप्टर का सोइल। सोइल मतलब जो भी हमारा सोइल होता है, माटी जो होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये बहुत ही जाना पहचाना सा हमारा वर्ड है और चैप्टर भी एकदम ईजी होगा। चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन। सोइल इज डिफाइंड एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट ग्रो। जो सोइल होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो कि अर्थ क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर होता है, ऊपर का जो लेयर होता है जिसे सोइल कहते हैं, जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल टू अस। ये एक जरूरियात कुदरत द्वारा उपलब्ध हमारे लिए एक सोर्स है, रिसोर्स है। प्लांट नीड सोइल टू ग्रो। प्लांट्स को सोइल चाहिए ग्रो होने के लिए। इट होल्ड्स द रूट ऑफ प्लांट फर्मली एंड प्रोवाइड वाटर एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प देम प्रिपेयर फूड। जो सोइल है वो चाहिए किस लिए, तो कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो अच्छे से सोइल को पकड़ लेते हैं, उसकी वजह से सोइल उसे वाटर प्रोवाइड करते हैं, उसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है। विदाउट सोइल देयर वुड बी नो प्लांट्स ऑन आवर प्लैनेट। यानी कि अगर सोइल नहीं होता तो हमारे प्लैनेट्स के ऊपर कोई भी प्लांट्स अवेलेबल यानी कि प्रेजेंट नहीं होता। बिसाइड्स दिस सोइल इज अ होम टू मैनी इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसके साथ साथ जो सोइल है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जीव जंतुओं के लिए घर भी है। There are three main types of soil. थ्री टाइप्स है सोइल के, यानी कि हमारी जो माटी है उसके भी तीन प्रकार है। एक तो सैंडी सोइल, दूसरी क्लेई सोइल और तीसरी है लोम। सैंडी सोइल किसे कहते हैं, तो कि सैंडी सोइल डज नॉट होल्ड मॉइस्चर। सैंडी सोइल में मॉइस्चर पकड़ने की क्षमता नहीं होती, उसके अंदर हम पानी को जमा करके नहीं रख सकते। दिस डज विथ वाटर ऑल अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो फ्लो अवे। यानी कि पानी के साथ साथ सैंडी सोइल में से बाकी न्यूट्रिएंट्स भी पानी के साथ वॉश आउट हो जाते हैं। ड्यू टू दिस इट नीड्स रेगुलर एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर। इसकी वजह से सैंडी सोइल में लगातार फर्टिलाइजर डालते रहना जरूरी होता है। दूसरा क्लेई सोइल। क्लेई सोइल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, इज यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज इट कैन होल्ड मॉइस्चर। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये पानी को पकड़ के रख सकते हैं। बट इट फॉर्म्स हार्ड लम्स व्हेन वेट। लेकिन जब ये वेट हो जाते हैं तब बड़े बड़े लम्स यानी कि बड़े बड़े हम बोलते हैं ना पत्थर जैसे बन जाते हैं। इट ऑल्सो डेवलप्स क्रैक्स इन हॉट वेदर कॉजिंग बूम टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। यानी कि जब इसे पानी नहीं मिलते तो ये अपने ऊपर बहुत बड़े क्रैक्स भी डेवलप कर लेते हैं, यानी कि एकदम ड्राई भी हो जाती है ये जो क्लेई सोइल है वो। दूसरी है लोमी सोइल। लोमी सोइल यानी कि लोम कैन होल्ड मॉइस्चर एंड इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स में भी रिच है और इसके अंदर मॉइस्चर भी होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि पानी को भी पकड़ के रख सकते हैं लोमी सोइल। इट हैज़ गुड क्वालिटीज ऑफ बोथ सैंडी एंड क्लेई सोइल। इनके ऊपर जो भी हमने सैंडी और क्लेई सोइल देखे उनमें से जो गुड क्वालिटीज है वो दोनों क्वालिटीज लोमी सोइल के अंदर है। हैंस इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर प्लांट। इसीलिए ये प्लांट के ग्रोथ के लिए एकदम सुटेबल है, यानी कि इसके अंदर हम प्लांट्स ग्रो करेंगे तो ये आसानी से और ईजिली प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद है सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। सोइल की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो एकदम स्लो और आराम से होने वाली प्रोसेस है। सोइल इज फॉर्म्ड बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड वाटर टेम्परेचर एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके ऊपर तेज हवा, तेज पानी, उसके बाद टेम्परेचर और माइक्रोऑर्गेनिज्म के एक्शन, उनके प्रभाव के कारण ये जो बड़े बड़े पत्थर है वो धीरे धीरे छोटे 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 हो जाते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में जो छोटा छोटी साइज हमें मिलती है उसे कहते हैं सोइल। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट वेदरिंग टू फॉर्म लेयर ऑफ सोइल। यानी कि हजारों साल लग जाते हैं वेदरिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जिसकी मदद से हमें सोइल मिलती है, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद हमें सोइल मिलती है। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ सोइल।
सोइल के अंदर क्या क्या कंटेन होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो कि सोइल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट, बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स उसके अंदर रहते हैं, जैसे कि दे इंक्लूड सोइल के पार्टिकल्स, एक तो उनके पार्टिकल्स होते हैं जो ग्रेवल हो, सेंड हो, क्ले हो, उसके बाद ह्यूमस होता है, मिनरल्स होता है, वाटर, मॉइस्चर और एयर भी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। वेरियस ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, स्नेल, इंसेक्ट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई आर ऑल्सो फाउंड इन सोइल, यानी कि सोइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवर्म हो, स्नेल्स हो, इंसेक्ट्स हो, ये सब भी सोइल के अंदर पाए जाते हैं। अमंग दिस अर्थवर्म आर वेरी हेल्पफुल टू द सोइल, इन सभी में से अर्थवर्म जो होती है, जो अर्थवर्म वो सोइल के लिए एकदम हेल्पफुल होती है, क्यों, क्योंकि दे बरी इन सोइल, टर्न इट एंड सो मेक इट लूज, क्योंकि ये सोइल के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं, इसकी वजह से सोइल के अंदर जगह यानी कि अंदर जाएगी तो जगह बनेगी, वापस निकलेगी तो वापस उसके अंदर स्पेस रहेगी, तो सोइल को लूज बनाती है। नॉट ओनली दिस, देयर मूवमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट डीपर इन द सोइल टू द सर्फेस, यानी कि इनकी इस अर्थवर्म की मूवमेंट की वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स नीचे तक है उसे भी वो बाहर लेके आती है उनके मूवमेंट की वजह से। दिस इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सोइल एंड हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ, इसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है और प्लांट ग्रोथ में हेल्पफुल भी होती है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज फार्मर फ्रेंड, इसकी वजह से जो अर्थवर्म है उसको फार्मर फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। बिसाइड्स दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई ऑल्सो हेल्प्स इन द कम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसकी वजह से इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई है, हमने अर्थवर्म के बारे में तो सुना लेकिन बैक्टीरिया और फंगाई है वो क्या करने में हेल्पफुल होते हैं, तो कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स सड़ गए हैं उसे ब्रेक डाउन करने में, उसे उसका नाश करने में बैक्टीरिया और फंगाई हेल्पफुल होते हैं। दिस प्रोसेस रिलीज मिनरल्स बैक टू द सोइल दस एनहेंसिंग इट्स फर्टिलिटी, तो इस प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिनरल्स प्लांट्स बॉडी में अथवा तो एनिमल बॉडी में जो भी होते हैं, जो भी उन्होंने लिया वो वापस उनके डेड हो जाने के बाद उनके अंदर से वापस वो सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वापस सोइल में डाल देते हैं, कौन, तो क्या बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो ये एकदम बैक्टीरिया और फंगाई करते हैं। ये सभी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या सोइल के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सोइल एरोशन के बारे में।